सो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँ। आज के व्लॉग में मैं आपको एक कार का रिव्यू नहीं देने वाला, आज के व्लॉग में आपको मैं एक कार का जो कि पूरा मेकओवर किया गया है, एक बेस मॉडल क्रेटा को टॉप मॉडल क्रेटा में कन्वर्ट किया गया है, वो आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ आज के व्लॉग में। तो पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ क्या क्या उसमें भाई ने काम किया है। सबसे पहले एक बार आपको गाड़ी दिखाऊँ। तो गाइस, ये है आपकी क्रेटा न्यू शेप मॉडल। इस कार में पूरा, इस कार को पूरा बेस मॉडल से कन्वर्ट करके न्यू शेप क्रेटा बनाया गया है। तो इन सब की डिटेल देने के लिए अब बुलाऊंगा अपने भाई को। भाई आइए। सो गाइस, ये अपने दोनों भाई हैं। भाई आपका नाम? सुभाष। कैसे भाई? बढ़िया। भाई आपका नाम? अनिल। सो गाइस, सुभाष और अनिल भाई हैं। ये दोनों बेसिकली, इन भाई का अपना करोलबाग में बहुत अच्छा काम है, ये हर टाइप की कार के मेकओवर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मॉडिफिकेशन करनी, कुछ भी करानी है, भाई सब कुछ करवाते हैं। तो भाई पहले अपने को शोरूम के बारे में बताइए आप। हमारा जो शोरूम है करोलबाग में है, अब्दुल अजीज रोड में। ठीक है। सो भैया, आपके शोरूम का नाम क्या है? निकू कार डेकोर। निकू कार डेकोर। हाँ जी जी। अब भैया, लाइक काफ़ी भाई हमारे जो हमारे ब्लॉग जो है बाहर से बैठ के देखते हैं, अब ये बताओ आप यहाँ पे किस किस टाइप के कार में डील करते हो, क्या काम करते हो अपनी गाड़ी? सर जो भी बेसिकली तो हम क्रेटा, सेल्टोस और सोनेट, हाँ ये तो हमारी रेगुलर गाड़ी होगी। हाँ जी। अदर गाड़ियों में भी हम काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे कोई भी हो, कोई भी गाड़ी हो। ओके, ठीक है। एंड भाई, जो फिलहाल आज हम सारा ये दिखाने वाले कार के बारे में, हम उसकी डिटेल भी देंगे कि कितना सारा इसमें काम हो रहा है। एंड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके कोई शोरूम पे विजिट करना चाहे, भाई कोई किसी दिन शोरूम बंद भी होता है? 7 डेज ओपन रहता है। ओके। प्लस गैस, कोई भी आपको दिक्कत आती है, भाई का नंबर आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे भाई से कांटेक्ट कर लेना। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोकेशन नहीं भेजती, भाई अपना सेल्स पर्सन आपको लेने के लिए भेजेंगे। क्यों भाई? तो चलिए गैस, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के व्लॉग। प्लस जाके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, माई एक्साइटिंग व्लॉग्स पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लग्जरी कार के, सुपर बाइक के, सुपर कार के एंड इवन अब आपको मॉडिफिकेशन के भी वहाँ पे अपडेट मिलेंगे। तो जाके वहाँ पे जरूर फॉलो करना। तो चलिए गाइस, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। सो गाइस, ये वो कार है क्रेटा जिसको बेस मॉडल से कन्वर्ट करके टॉप मॉडल में कन्वर्ट किया गया है। सो अनिल भाई, सबसे पहले हम आते हैं, अगर हम फ्रंट से शुरुआत करें, फ्रंट में बताओ हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है। सर जैसे बेस मॉडल में ब्लैक ग्रिल आती है प्रॉपर। हाँ जी। रूम नहीं आता है, ये टॉप मॉडल की ग्रिल लगाते हैं हम। ओके, इसके एम आर पी है 10,800, उस पर 5% डिस्काउंट देते हैं हम। ओरिजिनल आइटम पर जो भी लगाओगे हुंडई की, उसके 5% हम डिस्काउंट देते हैं। सो मतलब ये मतलब ग्रिल है 10,800 की, जो कि ओरिजिनल ग्रिल आती है आपकी। हाँ, ओरिजिनल हुंडई की, सारे पार्ट्स ओरिजिनल मिलेंगे हमारे पास। ठीक है। ये डिफ्यूजर लगा है सेफ्टी गार्ड आगे पीछे, ये देखिए आप, इमेजिंग है क्रेटा की। ओके, ठीक है। सो भैया, अगर हम इसकी डिफ्यूजर की बात करें, इसकी कॉस्टिंग आने वाली है? इसकी कॉस्टिंग सर 6500 की पड़ेगी। 6500 की। हाँ जी। ओके, ये हो गया आपका, एक तो ग्रिल हो गया ना, आपका डिफ्यूजर हो गया। एंड बात करें लाइट्स में, कोई मॉडिफिकेशन है? सर इस पर मैंने एचआईडी डाली है। ओके, ये देखिए गाइस, इसमें आपकी एचआईडी लाइट्स भाई ने इंस्टॉल करी है। हाँ, एक बार जला के दिखाना पिंटो। मैं एक बार आपको गाइस जला के और दिखाता हूँ एक बार। ये फॉग लाइट इंस्टॉल किए हैं इसमें, इस मॉडल में फॉग लाइट नहीं आते, ये हुंडई के फॉग लाइट लगाएंगे इसमें। ओके, तो गाइस भाई ने एक ये आपके इधर ये लाइट्स लगाई हैं इसमें, किए यानी कि सब इसमें दोनों लगाए हैं ना, इसमें दोनों वाइट लाइट कर चुके हैं। इसमें एचआईडी और ये एलईडी, ये देखिए इसमें आपकी वाइट लाइट लगी भाई ने, इसमें आपकी एलईडी लाइट है। ओके, ठीक है। सो गाइस, फ्रंट प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी, जो भाई ने काम कराया था वो फ्रंट का आपको दिखा दिया। अब मैं आपको लेके आता हूँ साइड प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले जिसमें आप अलॉयज देख रहे हैं, बता दूँ ये आपके ह्युंडई ब्रांड के ही अलॉयज है जो भाई ने इंस्टॉल करवाए हैं, ओरिजिनली है। एंड बता दूं, अगर यही आप कंपनी से लेने जाते हो तो कंपनी में आपको अराउंड कॉस्ट करते 33,000, लेकिन भाई के साथ आपको तब भी थोड़े ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। क्यों भाई? हाँ, मतलब कंपनी में लेने जाओगे और भाई से लोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। हाँ। तो गैस लाइक भाई ने जैसे ना बताया ऑटोमेटिक फोल्डेबल इसमें मिलर। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी, इसी क्या कॉस्ट आती है लाइक फोल्डेबल मिलर से? कोई 12,000 से 13,000 रुपये समथिंग कॉस्ट आती है। 12,000 to 13,000 की कॉस्ट आएगी। हाँ जी, हाँ। अब गाइस ये देखो, भाई ने इसमें आपको क्रोम गार्निशिंग करा रखी है, लाइक आपके डोर्स पे हो गई, आपके यहाँ पे हो गई। एंड भाई, क्रोम गार्निशिंग का कितना खर्चा आता है? जैसा ये मतलब ये ज़्यादा खर्चा नहीं है, नॉर्मली खर्चा है, इस पर 500 का खर्चा। 500 का, ठीक है। एंड बाकी अगर हम आगे बात करें, ये डोर वाइजर हो गए, डोर वाइजर आपने लगवाए? हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया डोर वाइजर। ये रूफ रेल भी लगाया, बेस मॉडल में रूफ रेल नहीं आती, रूफ रेल ये रूफ रेल भी देखे भाई ने लगाई है। तो भाई फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बॉडी कलर व्हाइट कलर का है, तो अगर इसको व्हाइट कलर की रूफ रेल चाहिए तो मिल जाती है? नहीं नहीं नहीं, मिलती नहीं है, उसको हम टेपिंग करा देते हैं। वैसे जो टॉप वेरिएंट पर इसी कलर की आती है। ओके, हमने इसको टॉप बनाया है। ठीक है। बाकी गैर मैं इसकी अलॉयज की बात करूँ, इसमें वैसे आपके हफ्ते आप सफ्ते, लेकिन भाई ने इसमें आपके अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाए हैं। हाँ, क्यों भाई? तो गैस ये होगी फिलहाल साइड प्रोफाइल की बात। अगर हम बैक की बात करें, बैक में कुछ काम किया भाई? बैक में डिफ्यूजर लगवाए थे। ओके, तो गैस अब आपको लेके आऊँगा बैक की लुक दिखाता हूँ आपको।
एकदम नीट एंड क्लीन बैक की लुक है, बाकी लाइट्स में कोई चेंजेस नहीं है, ओनली डिफ्यूजर एक लगाया आपने। हाँ, और बाकी ये पीछे में वो लगाया है, ये आपकी रिवर्स लाइट। हाँ, रिवर्स लाइट गाइस, ये देखिए रिवर्स लाइट होगी, एंड ये जो आपका डिफ्यूजर देख रहे हैं ये भाई ने इंस्टॉल कराया। अब इन कैमरा हम इस फिटमेंट में करते हैं, इसमें देखिए ओरिजिनल फिटमेंट में कैमरा चालू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका आपका कैमरा इधर लगा रखा है। तो भाई अगर मैं बात करूँ जो हम डिफ्यूजर एंड ये रेयर लाइट की हम बात करें, इनका कितना खर्चा है? डिफ्यूजर को मैंने बता दिया था 6500 का आपका खर्चा आता है, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों का मिला, दोनों का। हाँ, कॉम्बो किट है ये। एंड अगर मैं रियल लाइट की बात करें, रियल लाइट की बात करोगे तो ऐसे 3000-2500 के समथिंग का पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। सो गाइस, फिलहाल ये अभी हमने आपको सारी कार की प्रोफाइल दिखा दी है, अब हम लेके चलते हैं आपको कार के अंदर एंड दिखाते हैं अंदर क्या क्या भाई ने इंस्टॉल कर रखी। भाई हाँ जी, आइए गाइस। तो गाइस बता दूँ, अब फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये अंदर एंटर करने से पहले भाई बता रहे कि जो इसका ये है डोर है, डोर पे ही भाई ने काम कर रखा है। भाई बताओ कुछ पहले काम के बारे में। हमने डोर पैड पर हमने ये कुछ नहीं किया इस पर, ये ठीक है स्टिचिंग के साथ फोम के साथ इसमें। ओके गाइस, काफ़ी फोम भी बढ़िया, मैं देखूँ आपको दिखा रहा हूँ दबा के। ठीक है, नेक्स्ट भाई इसमें डंपिंग भी, इसमें डबल लेयर की ऑटो फन की इसमें डंपिंग हुई है 2mm की, डंपिंग से काफी फर्क पड़ता है इसमें। 2mm की आप डंपिंग कर रखी है, डंपिंग ठीक है। प्लस गाइस अब मैं अंदर एंटर करने से पहले आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्रेटा की सील है, ये भी आपने इंस्टॉल कराई है, इसमें भी इंस्टॉल करवाया। ओके, तो आगे की बात करें, आगे बताओ कुछ और भाई। आगे हमने इसमें सीट कवर लगवाया, हमने इसमें सीट कवर की फिटिंग देख सकते हो आप। ओके, ये देखिए सीट कवर की फिटिंग देखिए आप, एकदम प्रॉपर आपको स्टिचिंग दिखेगी, पॉइंट और रिंकल्स नहीं दिखेंगे, स्टिचिंग इसकी कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया इसके सीट कवर्स। ठीक है, सो अब क्या बोलते हैं अगर अंदर बैठे करके और दिखाते हैं बाकी फीचर्स, आइए बाकी और चीजें दिखाते हैं। तो गाइस एट अ टाइम अब हम आ चुके हैं क्रेटा के अंदर, सो आपको पहले दिखाते हैं कुछ अंदर भी भाई ने मॉडिफिकेशन करा रखी है। सबसे पहले हम आते हैं स्टीयरिंग पे, तो भाई स्टीयरिंग के बारे में कुछ बताइए। स्टीयरिंग पे इसमें स्टीयरिंग OEM स्टाइल में स्टिच हुआ इसका। ओके, ये देखिए ऑरेंज, ये देखिए अब स्टिचिंग देखिए भाई ने पूरी प्रॉपर यहाँ पे दे रखी है, देखिए स्टिचिंग आपको प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, ज़िगज़ैग में और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल हुआ है, स्टीयरिंग कंट्रोल ये देखिए। तो ये बेसिकली आपने इंस्टॉल, मतलब आपने लगवाई है। हाँ, एंड अगर हम बात करें भाई ये जो लेदर रैप स्टीयरिंग है एंड ये है, इसका दोनों कितना खर्चा आ गया होगा? इसका खर्चा आ गया 2000 का स्टीयरिंग रैप हो गया इसका। हाँ जी, 1666 का ये स्टीयरिंग कंट्रोल है। हाँ जी, और क्रूज कंट्रोल भी इसमें इंस्टॉल हुआ है, वो भी 1666 का ही है वो भी। ओके, तो इसमें क्रूज कंट्रोल भी आ जाए, इंस्टॉल कराया गया। हाँ, ये देखिए ये क्रूज का स्विच हो गया। ओके, ये देखिए। एंड भाई अगर मैं बात करूँ ये जो आपने इंस्टॉल कराए हैं इसमें, ये जेन्युइन है? ये जेन्युइन हुंडई के, हुंडई के हैं। हाँ, हुंडई के। ठीक है, सो फिलहाल ये हो गया। इसके अलावा आपने भाई और क्या काम कराया इसमें? सनग्लास होल्डर इसमें इंस्टॉल हुआ है। ओके, ठीक है, ये देखिए ये भी ओरिजिनल हुंडई का है। ओरिजिनल हुंडई में येलो रोशनी आता है, हाइलोजन में आता है। अच्छा, इसमें LED किया है इसमें हमने। ओके, तो ये अपना यहाँ से हमने टच किया एंड ये अपना ऑन ऑफ हो गया आपकी। ठीक है, सो अब हम आते हैं इसके नीचे। सो ये जो आप गैस देख रहे हैं ये स्क्रीन के बारे में बात करें, आई थिंक 10 इंच की स्क्रीन होगी। अगर आप सोनी में लगवाते हो तो इसमें 8 इंच में ही आएगा। Okay, अगर आप दूसरे ब्रांड में जाओगे, ब्लोपंक हो गया, हाइपरसोनिक हो गया, तो आपको 10.1 इंच मिल जाएंगे। Okay, साथ में आपको इसमें OEM स्टाइल का जो आता है क्रेटा का। Okay, नोवो वाला वो उसमें आपको मिल जाएगा 10.25 का। सो गाइस बाकी मैं इसके टच आपको दिखाऊं, टच भी इसका काफी बढ़िया है, देखिए। तो ये जो है आपका सोनी का इसमें इंस्टॉल करा रखा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सोनी का आपने फिलहाल इसमें साउंड सिस्टम ये टच स्क्रीन इंस्टॉल किया, इसकी क्या कॉस्टिंग होने वाली है भाई? इसकी कॉस्टिंग है 26,500 का है आपका ये स्क्रीन है जो कि स्क्रीन है। ओके, ठीक है। एंड ये एंड्रॉइड, इसमें एंड्रॉइड प्ले अवेलेबल है? एंड्रॉइड नहीं है इसमें, इसमें एप्पल कार प्ले आएगा जब आपके डाटा केबल से चलेगा आपके, जब तक इसमें डाटा केबल इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा ये। और इसमें एप्पल कार प्ले है डाटा के थ्रू। ओके, डाटा केबल के थ्रू वर्क्स विद एप्पल कार प्ले। ठीक है, सो ये हो गई, साइन भी बना हुआ इसमें एप्पल कार प्ले की तरह। ओके, ठीक है। सो गाइस बाकी मैं आपकी रिवर्स कैमरा की बात करूँ, रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है। पीछे जो कार का व्यू है एकदम आपको प्रॉपर एकदम साफ आ रहा है। तो इसमें रिवर्स कैमरा भी जो इंस्टॉल कराया है वो आपको HD रिवर्स कैमरा है, HD कैमरा है वो। हाँ जी, HD है, गाइडलाइंस भी है, डायनामाइट भी है। ये देखिएगा आपको। सो गाइस फिलहाल हमने आपको टच स्क्रीन दिखाई थी, 26,500 की टच स्क्रीन लगी है। अगर मैं बात करूं भाई जो इसमें साउंड सिस्टम है क्या वो भी आपने इंस्टॉल किया है, वो उसका क्या सीन है? इसमें हमने JBL के स्पीकर लगाए, JBL GTO। ओके, इसमें स्पीकर इंस्टॉल हुआ है, इसमें 4 चैनल पाइनियर का एम्प लगा है इसमें। ठीक है, ठीक, और इसमें डैम्पिंग हुई है इसमें। ओके, ठीक है। एंड एक बार मैं बोलता हूं भाई को, जरा साउंड क्वालिटी और सुना के दिखाते हैं एक बार भाई की, क्यों क्या बोलते हो? सो गाइस फिलहाल मैंने आपको इसका टच स्क्रीन दिखा दिया, अगर आपको साउंड क्वालिटी की और सुनता हूं भाई वो प्लीज आवाज कीजिए। तो वो उसके आपको उस पर ही कंट्रोल्स मिलते हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के, देखिए
Sports fans across the world are eagerly awaiting the start of the Summer Olympics in Tokyo from tomorrow after a year-long delay due to the COVID-19 pandemic. The ceremony will have none of the usual splendor and grandeur. It will be lacking the mass choreography, the huge So guys, sound आपने सुनी काफी अच्छी इसमें लगा रखी है बेसिकली बहन है JBL के GTO इसमें इंस्टॉल किए गए हैं ओके ठीक है सो गाइस फिलहाल ये हो गए इसकी सारी डिटेल्स एट अ टाइम जो जो भाई ने फिलहाल सारा काम कराया था हमने आपको सारा दिखा दिया अब आपको लेके चलते कार के बाहर देते बाकी डिटेल्स आइए सो गाइस बता दूं अब एक भाई इसमें आपको और फीचर दे रहा है जो कि बेसिकली इसमें आपको फोल्डेबल मिरर दे रखे उसके साथ एक ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें भाई बताओ उसके बारे में अगर आप उसने क्रेटा 20 में करवाते थे तो उसमें आपके ट्रिम चेंज होते थे या उसमें 200 स्विच लगते थे क्रेटा वेन्यू के हाँ जी अब जो मॉडल चेंज हो गया जिसमें फेंटर आ रहा है उसमें हम कर रहे हैं स्विफ्ट की स्विच के साथ अच्छा उसकी फिनिशिंग दे सकते हो ये देखिए अप लेफ्ट राइट डाउन अप ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है ओके ठीक है सो गाइस फिलहाल अब ये हमने आपको सारी कार के फीचर बता दिए कि भाई ने क्या क्या इंस्टॉल कराया था तो अनिल भाई एक बार प्लीज करते आइए हाँ जी बोलो सो अनिल भाई फिलहाल अगर हम बात करें हमने जो जो आपने इसमें सारा काम कराया हमने सारा अपने भाइयों को दिखाया अब ये बताओ ऑलमोस्ट अगर हम इसमें कॉस्ट की बात करें भैया कितना इसमें खर्चा आ गया होगा टोटली अगर मिला के देखें अलॉय व्हील सब कुछ मिला के भैया अलॉय व्हील लगा के चलोगे तो 1.5 लाख का खर्चा आएगा विदाउट अलॉय 1.5 लाख का ओके मतलब गाइस हम ये बोल सकते हैं अगर एट द टाइम अगर आज के टाइम में आप बेस मॉडल क्रेटा लेते हो आई थिंक 13-14 लाख की शुरू होती है एंड टॉप मॉडल आई थिंक आपका जाता है अराउंड 20 लाख के 20 लाख प्लस ही जाता है अब ये देख लो गाइस इसमें बस एक सनरूफ और एक ऑटोमेटिक वेरिएंट को छोड़ के आपको सारे फीचर इसमें मिल रहे हैं सो अनिल भाई अगर मैं बात करूँ फिलहाल ये जो पूरा इसमें काम करवाया गया है आपने इसमें अलॉयज चेंज कराया एनी वन आपको बता दूं जिसमें टायर्स आप देख रहे हैं ये भी इसमें 17 इंचेस के अलॉयज कराए क्योंकि ये अलॉयज आपके 17 इंचेस के अलॉयज हैं ये 16 इंच आता है 17 इंच को कन्वर्ट किया हमने इसको ठीक है आपको इसका 50,000 के समथिंग का खर्चा आता है मतलब अलॉय एंड आपका टायर का खर्चा मिला के 50,000 के होगा 50,000 के समथिंग का है ठीक है एंड भाई अगर मैम ओवरऑल की बात करें ओवरऑल मतलब कितना इसमें खर्चा आ गया टोटल में पूरी गाड़ी में मतलब 1-1.5 लाख के समथिंग काम हो जाता है बढ़िया साउंड से लेके बाहर तक पूरा काम जो गाड़ी टॉप मॉडल बनाने के लिए 1-1.25 लाख या 1.5 लाख तक तो गाइस अगर मैं बात करूं अगर आप 20 मॉडल क्रेटा लेते हो आपको आराम से इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाकी आप जाके देख सकते हो 12-13 लाख से आई थिंक बेस मॉडल शुरू होता है एंड टॉप मॉडल की बात करें 20 लाख प्लस आराम से जाता है अगर मैं गाइस बात करूं इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलते हैं आपको अलॉयज मिल गया साउंड सिस्टम बहुत अच्छा मिल गया क्रूज कंट्रोल मिल गया आपको स्टेयरिंग से सारे कंट्रोल मिल गए हैं इसमें फिर डैम्पिंग इसमें कराई है साउंड सिस्टम इसमें काफी अच्छा है इसमें आपको एम्प भी लगा रखा है भाई एम्प भी लगा रखा है जिसमें मैटिंग होगी उसके नीचे फ्लोरिंग होगी टॉप मॉडल भी नहीं आती टॉप मॉडल में भी टॉप मॉडल में 50,000 रुपये कम से कम ऐसे स्विच लगानी पड़ती है फ्रंट एंड बैक में आपको डिफ्यूजर मिल रहा है फिर LED लाइट्स भाई ने इंस्टॉल कराई है फॉग लैंप्स लगाए हैं तो गाइस मैं ये बोल रहा हूँ मतलब अगर आप एक 20 लाख का बजट लेके चल रहे हैं अगर 12-13 लाख की बेस मॉडल कार लेते हैं एंड उसको आप अपना 1.5 लाख खर्च करके आराम से एक टॉप मॉडल कार बना सकते हैं तो बाकी गाइस मैंने आपको सारे कार के फीचर बताए थे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना कोई भी डिटेल चाहिए किसी कार के रिगार्डिंग भाई का नंबर आपके सामने आ रहा है यहाँ पे भाई से कांटेक्ट कर लेना एंड 7 डेज शोरूम ओपन रहेगा यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और अगर कोई भाई का ब्लॉग देखेगा उसे कुछ कार डिस्काउंट दोगे नहीं दोगे डिस्काउंट मिलेगा पक्का मिलेगा ना भाई पक्का मिलेगा ओके तो चले गए वैसे भी ऑर्डर आइटम 5% लोग देते हैं 5% तो दोगे एक्स्ट्रा जो भाई का देखेगा उसको अपना एक्स्ट्रा और देना है ठीक है ना भैया पक्का है ना पक्का चले गए तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू कलेक्शन लेके तब तक के दोस्तों